स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो स्केलेटल मसल की जो है वो कॉन्ट्रेक्शन करते हैं, मतलब जैसे ही मसल जो है वो स्ट्रेच होते हैं उन उनमें जो है वो कोई भी चेंज आता है तो फिर जो है वो मसल स्पिंडल के थ्रू जो है ये मैसेज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद जो है वो ब्रेन की तरफ। इस ये जो स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस होते हैं इन्हें मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहा जाता है। अब मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में क्या होता है कि इसमें जो है वो जस्ट टू न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। अभी हम किस तरह से टू न्यूरॉन्स, क्योंकि इसमें जस्ट एक सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है और जस्ट एक जो है वो मोटर न्यूरॉन जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस को जो है वो हम इटसेल्फ खुद भी जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस जो है वो किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि स्ट्रेच रिफ्लेक्स होने की वजह से ही जो है वो मसल स्पिंडल्स क्या होते हैं, मसल स्पिंडल्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो टेंडन्स को जो है वो अगर टैप कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं। लाइक आप जो है वो टेंडन जो एल्बो के साथ अटैच्ड है, रिस्ट के साथ, नी के साथ या एंकल जॉइंट्स हैं, तो वहाँ पर जो है वो आप उसको स्ट्रेच रिफ्लेक्स को जो है वो एक्टिवेट जो है वो कर सकते हैं। जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स की एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जिसे कहते हैं पटेलर रिफ्लेक्स, जिसके थ्रू हम ये सारा का सारा स्ट्रेच रिफ्लेक्स पढ़ेंगे कि पटेलर रिफ्लेक्स के थ्रू किस तरह से टेंडन्स जो सॉरी जो मसल स्पिंडल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और ये सारा का सारा रिफ्लेक्स सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है। ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू जो है वो हम इस स्ट्रेच रिफ्लेक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मसल स्पिंडल्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, या ये जो है वो नी जॉइंट है, टेंडन पर अगर हम जो है वो टैप टैप करेंगे, ठीक है, टैप करने से क्या होता है कि जो मसल मसल पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, टैप करने से जो स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हो रही है और उस स्ट्रेचिंग को जो है वो कौन डिटेक्ट करता है, उस स्ट्रेचिंग को डिटेक्ट करते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स। ठीक है, वो कौन से प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं मसल स्पिंडल्स। ठीक है, मसल स्पिंडल्स जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे, वो एक इम्पल्स जो है वो जनरेट करेंगे। वो इम्पल्स क्या होगी, इन सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन्स एक्साइट होंगे तो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो एंटर होगी। ठीक है, अगर आपको ये पोर्शन याद हो जो हमने पहले भी डिस्कस किया था स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस में, और स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, उसमें हमने बात की थी कि ये इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, ये जो है वो सेंसरी नर्व्स हैं जो किसके अंदर एंटर हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। और ये जो पोस्टीरियर साइड पर ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियॉन। ठीक है, गैंग्लियॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन ये जो गैंग्लिया स्ट्रक्चर है इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे ही ये सेंसरी न्यूरॉन इस पोस्टीरियर रूट गैंग्लियॉन से ट्रांसफर होकर ये किस जगह पर आएंगी, वो जो है वो यहाँ पर जो एंटेरियर ये जो ग्रे पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का जिसे कहते हैं एंटेरियर ग्रे हॉर्न, उसकी वहाँ पर आएंगी और यहाँ पर जो है वो किसको एक्टिवेट करेंगी, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो किसके साथ साइनेप्स होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो साइनेप्स होंगे मोटर न्यूरॉन्स के साथ, या मोटर न्यूरॉन्स को जो है वो एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगे तो मोटर न्यूरॉन्स क्या होंगे, जो एंटेरियर मोटर न्यूरॉन्स के साथ जैसे ही साइनेप्स करेंगे तो मोटर न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड का जो स्पाइनल नर्व का ये पोर्शन है जिसे कहते हैं एंटेरियर रूट, वहाँ से क्रॉस होकर जो है वो फिर वो मसल की तरफ जाएंगे। ठीक है, और जो है वो कॉन्ट्रेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो कॉन्ट्रेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस स्ट्रेच रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं, स्ट्रेच रिफ्लेक्स को जो है वो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं। कि और आपको पता है कि जो मसल्स होते हैं कि कुछ मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके जो अपोजिंग मसल्स हैं जिन्हें एंटागोनिस्टिक मसल्स कहा जाता है तो वो क्या करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं। वैसे स्ट्रेच रिफ्लेक्स इटसेल्फ तो जो है वो मोनोसाइनेप्टिक है, लेकिन जो अपोजिंग जो इसका मसल है वो, क्योंकि वो रिलैक्स कर रहा है तो फिर क्या होता है, जो ये अपोजिंग मसल्स है उसको रिलैक्स करने के लिए वो जो है वो पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि जो सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को पोस्टीरियर रूट गैंग्लियॉन के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है
तो ये क्या करते हैं, ये जो है वो किसके साथ, यहाँ पर जो जो ग्रे हॉर्न है स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन्स। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन्स के साथ जो है वो को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद वो न्यूरॉन क्या करते हैं, जो एंटागोनिस्टिक मसल है, एंटागोनिस्टिक मसल्स की तरफ जो है वो उसको जो है वो रिलैक्स करवाते हैं। तो इस वजह से जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है वो जो है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, लेकिन जो उसका एंटागोनिस्टिक मसल को रिलैक्स करना है तो फिर वो कौन सा जो है वो इफेक्ट होता है, उसे कहते हैं जो है वो पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। अब ये जो सारा का सारा रिफ्लेक्स, स्ट्रेच रिफ्लेक्स है जिसके थ्रू मसल स्पिंडल्स जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन भी है, ये डायग्राम से जो है वो इजी हो जाता है इस वजह से। अदरवाइज जो है वो अगर डिस्क्रिप्शन को आप वन बाय वन यहाँ पर पॉइंट्स के साथ लिखा हुआ है तो फिर जो है वो ये और इजी जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको देखते हैं कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है वो किस तरह से स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने इस पेज में कहा कि स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस जो है वो मोनोसाइनेप्टिक होते हैं, और आप जो है वो एंकल या डिफरेंट टेंडन्स को, सॉरी डिफरेंट जो टेंडन्स हैं उनको जो है वो टैप करके भी जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं, स्ट्रेच रिफ्लेक्स को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने डायग्राम में देखा कि फॉर एग्जांपल अगर मसल जो है वो स्ट्रेच हो रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। कौन से सेंसरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, उन्हें कहा जाता है मसल स्पिंडल्स। ठीक है, मसल स्पिंडल्स जैसा कि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो जो है वो मसल लेंथ को मॉनिटर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मसल की लेंथ में कुछ भी चेंज आ रहा है तो फिर क्या करते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन्स को जो है वो एक्साइट करते हैं। ठीक है, सेकंड में आपको याद है डायग्राम के थ्रू हमने क्या देखा कि जो स्ट्रेचिंग हो रही थी वो सारा का सारा मैसेज जो है वो पोस्टीरियर रूट गैंगलियन के थ्रू कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा था, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो फिर जैसे ही मसल, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मसल स्ट्रेच होंगे तो मसल स्पिंडल जो है वो क्या करेंगे, वन और मोर नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट करेंगे। तो फिर वो क्या होगा, वो सोमेटिक सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू पोस्टीरियर रूट गैंगलियन की तरफ जो है वो ट्रांसफर होगी, जो कि स्पाइनल नर्व का पार्ट है, और फिर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो कि इंटीग्रेटिंग सेंटर है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे, एक्साइटेटरी साइनेप्स बनाएंगे जो क्या करेंगी, मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगी इन द एंटेरियर ग्रे हॉर्न। ठीक है, जो सेंसरी नर्व का एंटेरियर पार्ट था। ठीक है, और अगर एक्साइटेशन इतनी स्ट्रांग है तो फिर क्या होंगी, जो नर्व इम्पल्सेस मोटर न्यूरॉन्स में एक्टिवेट हो रही हैं वो क्या करेंगे, वो स्पाइनल कॉर्ड की जो एंटेरियर रूट है वहाँ से क्रॉस होकर, पेरिफेरल नर्व के थ्रू क्रॉस होकर मसल को जो है वो स्टिमुलेट करेंगी, और उसके बाद मसल को स्टिमुलेट करने के बाद वहाँ पर एक जंक्शन बनेगी जिसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या जैसा कि पहले हमने बात की थी कि इसे मोटर इन एंड प्लेट भी कहा जाता है, जब न्यूरॉन्स जो है वो मसल के साथ जंक्शन बनाते हैं। फिर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, केमिकल जो है वो रिलीज करेंगे, कि यहाँ पर लिखा हुआ है वो कौन सा केमिकल होगा जिसे कहते हैं एसीटिल कोलीन। ठीक है, एसीटिल कोलीन जो है वो इन मोटर न्यूरॉन से रिलीज होगा, और वो क्या करेगा, वो जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जिसकी वजह से मसल स्ट्रेचिंग कॉज होगी, और मसल स्ट्रेच सॉरी जो मसल स्ट्रेच स्टार्ट हुई थी उसकी वजह से क्या होगा, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ओवर स्ट्रेचिंग या को भी प्रिवेंट करते हैं, तो वो क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग को जो है वो रिलीव कर देंगे। ये भी स्ट्रेचिंग है कि मसल्स जो है वो किस तरह से स्ट्रेचिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि अगर जो है वो कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो मसल किस तरह से जो है वो यहाँ पर जो है वो इम्पल्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो जनरेट हो रही है। ओके, यहाँ पर जो है वो इम्पल्स जनरेट हुई है, वो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के थ्रू ट्रांसफर हुई है, और जो है वो जो एंटागोनिस्टिक मसल्स की रिलैक्सेशन भी जो है वो इसमें शो की हुई है। ये भी एक डायग्राम है, ठीक है, इसमें भी जो है वो किस तरह से मसल लेंथ
मसल स्पिंडल्स जो है वो मसल की लेंथ को डिटेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद वो पोस्टीरियर रूट गैंगलियन के थ्रू जो है वो मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पर ये शो किया हुआ है ये कौन सा न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है जो वापस कहाँ की तरफ आ रहा है, वापस जो है वो मसल स्पिंडल्स की तरफ आ रहा है। और ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि जो एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं, एंटागोनिस्टिक मसल्स जो है वो रिलैक्स होते हैं, तो वो कौन सा रिफ्लेक्स होता है, वो होता है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। ठीक है, एक दफ़ा आप फिर इसको देखें। अब इसमें तो हमने डिस्कस किया कि किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है वो स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट होकर मसल्स को जो है वो मसल कॉन्ट्रेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जब वो एक्साइट होते हैं तो ये जो स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस हैं, जो मसल स्पिंडल की जो ये इंफॉर्मेशन है मसल स्ट्रेचिंग की, या मसल स्ट्रेचिंग की इंफॉर्मेशन है, वो कुछ ब्रेन के एरियाज़ की तरफ भी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, और ब्रेन के एरियाज़ भी जो है वो इस मसल कॉन्ट्रेक्शन को जो है वो रेगुलेट करते हैं। लेकिन वो फर्दर जो है वो एक फिर अलग टॉपिक है कि ब्रेन के कौन कौन से एरियाज़ किस तरह से जो है वो नर्व इम्पल्सिस वो कुछ ट्रैक्स के थ्रू होता है, उसको हम डिटेल में डिस्कस इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये जो है वो आपको मेमोराइज होना चाहिए कि ये जो स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस हैं सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू ही जो है वो ये मसल जो स्ट्रेचिंग है कॉन्ट्रेक्शन है ये इन्हीं के थ्रू जनरेट नहीं होती, कुछ ब्रेन के एरियाज भी जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं। होप कि आपका जो ये सारा का सारा मेथड है ये क्लियर हो गया होगा। अब जो है होप कि आपका जो मसल स्पिंडल का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, कि स्टार्टिंग से हमने डिस्कस किया कि मसल स्पिंडल्स होते क्या हैं, मसल स्पिंडल का स्ट्रक्चर क्या है। अब हम जो है वो मसल स्पिंडल्स के बाद जो है वो हम एक प्रोसेस के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं मसल टोन। ठीक है, मसल टोन हम कहते हैं किसे हैं, ठीक है, मसल टोन हम कहते हैं कंटिन्यूअस पैसिव पार्शियल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स को। इट्स मीन के लाइक हमारे मसल्स जब हम रिलैक्सिंग कंडीशन में होते हैं, जब हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तब भी क्या होता है, तब भी हमारे मसल्स में एक पार्शियल जो है वो कॉन्ट्रेक्शन जनरेट होती रहती है। उस पार्शियल कॉन्ट्रेक्शन को क्या कहते हैं, उस पार्शियल कॉन्ट्रेक्शन को कहते हैं मसल टोन। और इसके लिए एक और टर्म भी यूज़ की जाती है, इसे मसल टोनस भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्योंकि इसका भी एक प्रोसेस है कि किस तरह से कंटिन्यूस एंड पैसिव जो है वो कॉन्ट्रेक्शन होती रहती है विदाउट जो है वो, अगर हमारे हम रिलैक्सिंग कंडीशन में हैं तब भी जो है वो किस तरह से मसल टोन्स में थोड़ी ना थोड़ी कॉन्ट्रेक्शन प्रेजेंट होती है, इसका भी एक प्रोसेस है, इसको हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो है वो 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, तो इन 3 टाइप्स के मसल में जो मसल टोन होती है, जो एक कंटिन्यूअस कॉन्ट्रेक्शन है रिलैक्सिंग कंडीशन में, वो क्या 3 टाइप के मसल में सेम होती है, तो 3 टाइप के मसल्स में जो मसल टोनस है वो सेम नहीं होती। ठीक है, स्केलेटल मसल में जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया स्केलेटल मसल का कि किस तरह से मसल स्पिंडल्स को एक्टिवेट करके जो है वो उसमें जो है वो एक कॉन्ट्रेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो इस वजह से जो स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन होती है वो क्या होती है, वो जो है वो न्यूरोजेनिक होती है। अब स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन किस वजह से होती है, जो गामा मोटर न्यूरॉन्स हमने डिस्कस किए वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, जो एंटेरियर ग्रे हॉर्न है वहाँ पर ग्रे हॉर्न को क्रॉस करने के बाद जो मोटर गामा मोटर न्यूरॉन्स है स्पाइनल कॉर्ड से क्रॉस होने के बाद जो है वो क्या करते रहते हैं, मसल्स पर जो है वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज करते रहते हैं, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल्स में ये टोन जो है वो प्रेजेंट रहती है।
ठीक है, कार्डियक मसल्स जो है वो मायोजेनिक होते हैं. इट्स मीन कि वहाँ पर कोई न्यूरॉन्स जो है वो ये जो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रेक्शन को जो है वो मेंटेन नहीं करते, बल्कि जो है वो कौन करते हैं, मसल इट्स सेल्फ जो है वो थोड़ा जो है वो कॉन्ट्रेक्शन प्रोवाइड करते रहते हैं. लेकिन वो जो है वो मायो न्यूरोजेनिक नहीं होती, मतलब नर्वस सिस्टम का कोई कंट्रोल नहीं होता. तो इट्स सेल्फ जो कार्डियक मसल्स हैं वो खुद ही एक जो है वो कॉन्ट्रेक्शन जनरेट करते रहते हैं, इस वजह से उन्हें मायोजेनिक कहा जाता है. कार्डियक मसल्स की तरह स्मूथ मसल्स में भी जो टोन होती है वो भी मायोजेनिक होती है, लेकिन ये जो है वो कैल्शियम आयन्स पर डिपेंडेंट होती है. इसके अलावा जो क्रॉस ब्रिजेस जो है वो फॉर्म्ड होती हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है मसल्स का, जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उनके थ्रू, और जो कैल्शियम आयन जो मसल्स का सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है उसमें जो कैल्शियम आयन होते हैं उनमें, इस वजह से स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रेक्शन होती है, टोन होती है, वो भी मायोजेनिक मसल्स के थ्रू होती है. अब मसल टोन का जो है वो सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों जो है वो ये कंटिन्यूअस कॉन्ट्रेक्शन मसल्स में जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो जो स्ट्रक्चर्स हैं मसल्स हैं उनके पोस्चर को मेंटेन करती है. और जो है वो अगर मसल टोन जो है वो उसमें चेंज हुई, मसल टोन चेंज होने की वजह से क्या होते हैं, प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो जो है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रेक्शन में होते हैं और वो अपना पोस्चर जो है वो मेंटेन करते रहते हैं. मसल टोन जो है वो स्केलेटल, जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं उनमें प्रेजेंट होती है, क्योंकि स्केलेटल मसल्स पोस्चर मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लेकिन जो मसल टोन होती है वो खास करके जो एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं, एक्सटेंसर मसल्स जो होते हैं उनमें भी जो है वो टोन जो है वो प्रेजेंट होती है पोस्चर को मेंटेन करने के लिए. तो इट्स मीन कि मसल टोन जो ये कंटिन्यूअस कॉन्ट्रेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो है वो बॉडी का पोस्चर मेंटेन नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी जो है वो अपना पोस्चर मेंटेन नहीं रख सकेगी. ठीक है, अब मसल टोन जो है वो डेवलप किस तरह से होती है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें जो गामा मोटर न्यूरॉन्स हैं जो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं, मसल स्पिंडल्स को जो है वो जो है गामा मोटर न्यूरॉन्स और मसल स्पिंडल्स हैं वो क्या करते हैं, वही मसल टोन को जो है वो मेंटेन करते हैं. लेकिन मसल टोन जो है वो प्योरली जो है वो रिफ्लेक्स प्रोसेस है, जिसे कहते हैं स्पाइनल सेगमेंटल रिफ्लेक्स, और ये जो है वो कंटिन्यूअसली मोटर न्यूरॉन्स जो गामा मोटर न्यूरॉन्स हैं उनके डिस्चार्ज की वजह से जो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना रहे हैं या मोटर एंड प्लेट बना रहे हैं. तो जो गामा मोटर न्यूरॉन्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, एसीटिल कोलिन रिलीज़ करते हैं. तो एसीटिल कोलिन की वजह से इसके लेटल मसल्स में जो है वो ये मसल टोन जो है वो डेवलप होती है. ठीक है, अब इसके कुछ सीक्वेंस हैं कि किस तरह से मसल टोन जो है वो स्केलेटल मसल्स में जो है वो डेवलप होती है, इसका एक प्रॉपर जो है वो सीक्वेंस है. इसकी डिस्क्रिप्शन से पहले हम जो है वो इसकी एक डायग्राम है उसके थ्रू जो है वो हम इसके सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे. ये डायग्राम है, ये डायग्राम शो कर रही है जो मसल टोन है कि मसल टोन किस तरह से स्केलेटल मसल्स में जो है वो जनरेट होती है. फर्स्टली इस डायग्राम को जो है वो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर गामा मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है. गामा मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, गामा मोटर न्यूरॉन्स जो है वो किसके साथ अटैच्ड हैं, यहाँ पर जो है वो गामा मोटर न्यूरॉन्स अटैच्ड हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स के साथ, जो एंड पोर्शंस हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स के वहाँ पर अटैच्ड हैं. जैसे ही गामा मोटर न्यूरॉन्स जो है वो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स के एंड पोर्शन को एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पर जो है वो स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होती है. ठीक है, स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होने की वजह से इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स में एक से जो है वो ये जो एफरेंट फाइबर्स हैं जिन्हें सेंसरी न्यूरॉन्स कहा जाता है, एफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं, इम्पल्स को यहाँ से ट्रांसमिट करके जो एंटेरियर ग्रे हॉर्न है, ठीक है, जो एंटेरियर पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का वो वहाँ से क्या करती हैं, ये जो पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन से क्रॉस होकर जो एंटेरियर पोर्शन है वहाँ पर जो है वो ये ट्रांसमिट करते हैं अपनी इम्पल्सिस को. ठीक है, इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करने की वजह से तो जो एंटेरियर ग्रे हॉर्न है उस पोर्शन में एक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है, तो ये जो एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं वो किसे एक्टिवेट करती हैं, वो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती हैं,
और अल्फा मोटर न्यूरॉन एंटेरियर ग्रे हॉर्न के थ्रू या जो एंटेरियर रूट है स्पाइनल कॉर्ड का उसके थ्रू जो है वो ये मैसेज ट्रांसफर करती हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स की तरफ. एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मसल टोन जो है वो प्रोड्यूस होती है. अब जितनी ज़्यादा जो है वो मसल टोन प्रोड्यूस होगी फिर ये मसल टोन क्या करेगी, मसल टोन जो है वो एक्टिवेट करेगी मसल्स जो है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इसी तरह से फिर ये जो है वो इंट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स की तरफ मैसेज जाएगा. तो इस तरह से कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, मसल टोनस जो है वो इन स्केलेटल मसल्स में पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन इन द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन भी ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डेवलप होती रहती है. ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस है जिसके थ्रू मसल टोन जो है वो मेंटेन होती है. इस वजह से हमने क्या कहा था कि मसल टोन जो है वो टोटली जो है वो स्पाइनल जो है वो रिफ्लेक्स है जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जनरेट होता है और कंटिन्यूसली ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रोवाइड होती रहती है. ठीक है, अब हम लेफ्ट इसकी जो है वो बैक साइड पर जाएंगे और इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में जो है वो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके थ्रू हम इनके सीक्वेंस को जो है वो रीड करेंगे और समझेंगे. ठीक है, फर्स्ट हमने क्या कहा कि जो गामा मोटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, जो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स का एंड पोर्शन है उसे स्टिमुलेट करते हैं. ठीक है, जैसे ही ये स्टिमुलेट करते हैं तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है तो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स का, तो वो एक जो है वो रिफ्लेक्स स्टार्ट करते हैं या जो मसल टोन जो है वो प्रोड्यूस होती है इम्पल्सिस के थ्रू. ठीक है, थर्ड क्या होता है कि यही इम्पल्सिस जो है वो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स के थ्रू जो है वो एंटेरियर ग्रे हॉर्न की तरफ जाती हैं और ग्रे हॉर्न में एक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं. और वो कौन से मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, उन्हें कहते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन्स. उसके बाद जो है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स की तरफ इम्पल्सिस को जो है वो ट्रांसमिट करते हैं जिन्हें इफ्रिन फाइबर्स भी कहा जाता है. उसके बाद फिर जो है वो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है जिसे कहते हैं मसल टोन. अगर क्योंकि जो मसल टोन है वो टोटली किस पर डिपेंडेंट है, टोटली डिपेंडेंट है गामा मोटर न्यूरॉन्स के पास. तो फॉर एग्जांपल अगर गामा मोटर न्यूरॉन्स में लीजन हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर मसल टोन में जो है वो मसल टोन डेवलप नहीं होती जिसकी वजह से जो है वो ये मसल टोन का जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पोस्चर को मेंटेन करने के लिए ये फंक्शन जो है वो मेंटेन नहीं रहता. ठीक है, होप ये डायग्राम भी आपको समझ आ गई होगी. अगर इसको आप डिस्क्रिप्शन के साथ जो है वो रीड करेंगे तो ये फिर इजी हो जाएगी. ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट है कि किस तरह से मसल टोन जो है वो डिवेलप होती है. ठीक है, इम्पल्सिस फ्रॉम गामा मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है, उससे क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स एंड जनरेशन ऑफ इम्पल्सिस. उसके बाद क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस टू स्पाइनल कॉर्ड या प्राइमरी सेंसरी नर्व फाइबर्स एफ्रिन फाइबर्स. उसके बाद अल्फा मोटर न्यूरॉन्स जो है वो स्टिमुलेट होंगे, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स जो है वो इफ्रिन फाइबर्स के थ्रू नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे, एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स जो है वो एक्टिवेट होंगे और मसल की जो है वो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहेंगे मसल टोन. वैसे तो मसल टोन जो है वो टोटली गामा मोटर न्यूरॉन्स पर जो है वो मसल टोन है वो गामा मोटर न्यूरॉन्स के डिस्चार्ज की वजह से ही डेवलप होती है, लेकिन जो मसल टोन है वो कुछ ब्रेन एरियाज के थ्रू भी जो है वो कंट्रोल होती है. ठीक है, लाइक ऐसा तो नहीं है कि वो उसको पूरी जो है वो मसल टोन उन पर डिपेंडेंट है, मसल टोन इटसेल्फ जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस है उनके थ्रू जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जस्ट जो ब्रेन के एरियाज हैं वो क्या करते हैं इस मसल टोन को जो है वो या तो उसको स्पीड अप भी कर सकते हैं या फिर उस मसल टोन को जो है वो इनहिबिट भी कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट एरियाज हैं ब्रेन के, लाइक जो सुप्रा स्पाइनल फैसिलिटेटरी सेंटर्स हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, वो भी कुछ इम्पल्सिस को सेंड करके मसल टोन को इंक्रीज करता है. इसके अलावा सेरिबेलम है या फिर जो रेटिकुलर सिस्टम है, ठीक है, वो भी, या रेड न्यूक्लियस जो कि मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो भी क्या करता है, वो भी मसल टोन को इंक्रीज कराता है, या वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है. ठीक है, इनके फिर पूरे के पूरा एक मैकेनिज्म्स हैं, ये ज़्यादातर तब डिस्कस किए जाते हैं जब इंडिविजुअल इन पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया जाता है. लाइक अगर हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शंस के बारे में, सेरिबेलम या इन सब के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें आप ज़रूर ये पढ़ेंगे
किस तरह से ये अपनी कुछ इम्पल्सिस जो है वो गामा मोटर न्यूरॉन्स की तरफ जो है वो सेंड करते हैं ताकि वो मसल टोन को जो है वो इंक्रीज करें। अदरवाइज इस लेवल पर जो है वो हम इनको डिटेल में इनके पाथवेज को डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट फिर भी आपको एक ये मेमोराइज होना चाहिए कि कुछ ये जो फैसिलिटेटरी सेंटर्स हैं ये क्या करते हैं, मसल टोन को जो है वो रेगुलेट करते हैं। इसी तरह से कुछ सेंटर्स जो है वो क्या करते हैं, मसल टोन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, इस जैसे कि हमने कहा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कुछ न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मसल टोन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और मसल टोन को डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा रेटिकुलर सिस्टम का भी सेम, वो मसल टोन को जो है वो एक्साइटेटरी इम्पल्सिस के थ्रू जो है वो मसल टोन डेवलप करवाएंगे या मसल टोन को जो है वो क्या करवाएंगे, उसको इनहिबिट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जो बेसल गैंग्लिया है वो भी क्या कर सकता है, मसल टोन को जो है वो इनहिबिट करवा सकता है डिफरेंट कंडीशंस में। ठीक है, वैसे तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाता है, अदरवाइज थोड़ा बहुत यहाँ पर ताकि मेमोराइज रहे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो मोटर एरिया होता है वो क्या करता है, वो जो है वो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं या जो गामा मोटर न्यूरॉन्स हैं जो स्केलेटल मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, वो एक ट्रैक के थ्रू जो है वो मोटर इम्पल्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ से आती हैं, उस ट्रैक को कहते हैं एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक फाइबर्स। ठीक है, वो दोनों ये जो है वो एक्स्ट्रा पायरामिडल फाइबर सॉरी जो पायरामिडल ट्रैक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो है वो ये जो दोनों न्यूरॉन्स हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं या जो गामा मोटर न्यूरॉन्स हैं उनकी तरफ जो है इस जो है वो इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनमें जो है वो एक सिमल्टेनियस स्टिमुलेशन जो है वो ऑकर होती है, तो इस वजह से इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, को एक्टिवेशन कहते हैं, या इसके अलावा इसको अल्फा गामा को एक्टिवेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये बस थोड़ा सा व्यू था कि किस तरह से जो है वो किस तरह जो मोटर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो किस तरह से मसल टोन जो है वो डेवलप करवाता है। ठीक है, ये ट्रैक के थ्रू होता है, जैसा कि मैंने कहा अब हम इस ट्रैक को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जब आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन जो है वो जब हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन डिस्कस करेंगे तो उसमें इसका जिक्र जो है वो ज़रूर होगा। ठीक है, इसके अलावा अल्फा मोटर न्यूरॉन्स जो है वो एक्चुअली क्या करते हैं, जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं वो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और गामा मोटर न्यूरॉन्स जो है वो इंट्रा फ्यूजल मसल की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से मसल टोन जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे अभी हमने बात की कि सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया का भी काम होता है कि वो मसल टोन को किस तरह से जो है वो, जैसे कि सेरिबेलम में जो है वो क्या करवाता है, वो मसल टोन को इंक्रीज करवाता है और मसल और जो बेसल गैंग्लिया है वो किस तरह से मसल टोन पर जो है वो अफेक्ट करता है। लेकिन इनकी एक 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 यूनिक बात है कि जैसे कि अभी हमने बात की कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है, डायरेक्टली जो उसका मोटर एरिया है वो इम्पल्सिस डायरेक्टली अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स तक अपनी इम्पल्स ट्रांसफ़र करके उसके बाद जो है वो मसल टोन को रेगुलेट करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑपोजिट है कि जो सेरिबेलम या बेसल गैंग्लिया है वो मसल टोन को डायरेक्टली गामा मोटर न्यूरॉन्स की तरफ इम्पल्सिस सेंड करके कंट्रोल नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये जो है वो पहले जो इन एरियाज से मसल टोन को कंट्रोल करने के लिए इम्पल्सिस जो है वो एक एरिया की तरफ जाती हैं, एक सेंटर की तरफ जाती हैं जिन्हें कहते हैं ब्रेन स्टेम सेंटर। ठीक है, ब्रेन स्टेम में आपको पता है डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, उनका हम जिक्र नहीं करेंगे, लाइक मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा है। ठीक है, थ्री पार्ट्स होते हैं ब्रेन स्टेम में, तो फिर उनमें ये क्या करते हैं कि जो सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया है वो अपनी इम्पल्सिस पहले जो है वो ब्रेन स्टेम सेंटर्स की तरफ जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, उसके बाद ब्रेन स्टेम क्या करता है, गामा मोटर न्यूरॉन्स की तरफ वो इम्पल्स सेंड करके उनकी जो है वो मसल टोन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा अब जो ब्रेन स्टेम जो है वो किस तरह से कंट्रोल करता है, ब्रेन स्टेम अब जो के ब्रेन ब्रेन स्टेम के भी जो सेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो गामा मोटर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को जो है वो डिफरेंट एरियाज के थ्रू जो है वो कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर गामा मोटर न्यूरॉन्स है जो है वो
डिस्चार्ज इंक्रीज करवाना है या डिक्रीज करवाना है, तो डिफरेंट एरियाज से वो जो है वो सिग्नल्स रिसीव करने के बाद फिर क्या करते हैं, इन फंक्शंस को जो है वो गामा मोटर न्यूरॉन्स की डिस्चार्ज को इंक्रीज या डिक्रीज करवाते हैं। जैसे कि कौन कौन से जो है वो पार्ट से जो है वो ब्रेन स्टेम इंफॉर्मेशन जो है वो सिग्नल्स रिसीव करता है, लाइक सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, सेरिबेलम से या बेसल गैंग्लिया से। ठीक है, ये कुछ ब्रेन के सेंटर्स थे जो मसल टोन को क्या करते हैं, मसल टोन को जो है वो मसल टोन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज मसल टोन जो है वो इटसेल्फ स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू भी जनरेट होती रहती है। ठीक है, होप ये वाला लेक्चर आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें जो है वो हमने डिटेल में मसल स्पिंडल्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो मसल स्पिंडल्स कॉन्ट्रेक्शन जो है वो जनरेट करते हैं, और मसल टोन के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में टॉपिक के साथ जो है वो मिलेंगे और उस नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे। थैंक यू। ठीक है, इस टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो जो है वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, इंशाल्लाह जो है वो आई विल ट्राई टू क्लियर योर क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़।